हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास सिक्स का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर टू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर टू जो है इसमें ग्लोब है। ग्लोब के बारे में हम कुछ जानेंगे, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और ग्लोब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो फोटो बना के दिखाया गया है, आप इसमें समझ सकते हैं कि जो ग्लोब होता है वो अर्थ का इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है, और इसके ऊपर पेंट करके या पेपर चिपका के इसके ऊपर जो है पूरे अर्थ का मैप जो है बनाया गया रहता है कि कहाँ कहाँ पे ग्रीन एरिया है, लैंड है, कहाँ पे वाटर है, और यह जो है जो ग्रीन एरिया है उसमें कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं और कौन कौन सी कंट्रीज है, इसके बारे में जो है हम ग्लोब से बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको जो है आयताकार मीन्स कि रेक्टेंगल में या स्क्वायर में करके अगर हम इसको बनाते हैं इसके मैप को, तो हमें जो है किसी भी प्लेस की सही पोजीशनिंग नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम जो है अर्थ के बारे में ग्लोब की मदद से ही पढ़ाई करते हैं। तो ये जो है हमारा फोटो में अभी जो दिख रहा है, यह जो है ग्लोब है अर्थ का, और यह इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यह जो है कि बड़े आकार में भी आता है और छोटे आकार में भी आता है। तो और पॉकेट ग्लोब भी आते हैं जिसको कि हम कैरी भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और यह जो होता है ग्लोब में, यह जो राउंड स्ट्रक्चर है ये अर्थ है, और अर्थ के आधार पे इसको बनाया गया है। और यह जो है जहाँ पे ये एक पोल होता है और दूसरा पोल ये होता है जहाँ से कि यहाँ पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और यह जो है इसके थ्रू ये अर्थ की एक्सिस होती है, और इसके थ्रू हम जो है अर्थ को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया गया है एक लोहे की रॉड यहाँ से पास करती है और यहाँ तक जाती है, और इस पे जो है ग्लोब को हम राउंड राउंड रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्लोब हमारा। हम ग्लोब की स्टडी क्यों करते हैं, ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब जो है हमें अर्थ के बारे में और अर्थ पे जो कंट्रीज हैं, जो भी जगह हैं, उनके बारे में सही सही जानकारी रहे हमें, उसके लिए इस ग्लोब को बनाया गया है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें, इस ग्लोब की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे, ताकि ग्लोब को देख के हम किसी भी कंट्री और सिटी या फिर कंटिनेंट के प्लेस को हम आइडेंटिफाई कर सकें बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे जो एक्सिस की बात कही गई है, तो यही एक्सिस है। और एक्सिस पे एक चीज और होती है कि अर्थ जो है, इसको आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हमारी धरती जो होती है यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट होती है। ये जो है नॉर्थ पोल होता है और ये जो है साउथ पोल होता है, और दोनों ही पोल पे धरती जो है थोड़ी सी धसी हुई रहती है, मीन्स की थोड़ी सी फ्लैट रहती है, और बीच में जो है ये फुली हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर जो है, जैसे अगर हम सपोज करें कि अगर हम नींबू लेमन लेते हैं और उसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं, तो वैसे ही अर्थ को हम जहां से बीच से बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, वो जो है वही पार्ट जो है इक्वेटर कहलाता है, जहां से कि अर्थ जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाती है, तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और नॉर्थ पोल के साइड वाले हेमिस्फीयर को, मीन्स ये स्फीयर है अर्थ, और जब हम इसको इक्वेटर के लाइन से सपोज करते हैं, मान लीजिए कि हम कल्पना करते हैं कि हमने दो हाफ में बांट दिया, तो जब हम किसी भी राउंडेड स्ट्रक्चर को दो हाफ में बांटते हैं तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो यह जो नॉर्थ के साइड होगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो साउथ के साइड होगा उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप जो है सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यह जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटर है, और यहाँ से यह अर्थ हमारी धरती जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। यह जो है हमारा नॉर्थ पोल है, और ठीक नॉर्थ पोल के नीचे जो है हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यह हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर्स के पैरेलल जितनी भी लाइनें हम इस
धरती के राउंड राउंड ऐसे खींच सकते हैं, वो सारे जो है उसको जो है हम लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। तो इक्वेटर हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी जो धरती है उस पर कुछ इस तरह का हेमिस्फीयर टाइप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यह इमेजिनरी है, पूरी तरह से काल्पनिक है कि, और ये काल्पनिक लाइन हमने खुद की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए और समझने के लिए हमने किया हुआ है ये। तो ये इमेजिनरी लाइन है और इसके एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेज ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो प्लेसेज हैं उनको लोकेट करने में हमें आसानी हो जाती है ऐसा करने से, इसलिए हमने जो है अर्थ को दो इक्वल हाफ में इक्वेटर से बांट दिया है। और जितनी भी पैरेलल लाइंस गुजरती हैं इस इक्वेटर की जो पैरेलल लाइन होगी इस तरह से, वही जो है कि लैटिट्यूड कहलाती है। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री और इन लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री। तो इक्वेटर पे हम जो है ये भी एक इमेजिनेशन ही है, अपने इक्वेशन को या अपने अर्थ पे जो भी प्लेसेस है उसको जानने के लिए अगर हम अर्थ को टू इक्वल हाफ में इमेजिनरी बांट सकते हैं, तो उसी तरह से ये भी है कि जी यहाँ पे हम इक्वेटर पे जो है जीरो डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है, इक्वेटर पे जो एंगल होता है वो जीरो डिग्री होता है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4। ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखते हैं इस इक्वेटर से जब हम इस पोल तक जाते हैं, किसी भी एक पोल तक जाते हैं, तो यह जो है 1/4 होता है। तो इसको हम जो है 90 डिग्री मान के चलते हैं, मीन्स कि इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो यह जो है 90 डिग्री बनाता है। तो इस तरह से आपको लैटिट्यूड क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। एज सच ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि इस इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जितने भी पैरेलल्स हम इसको खींचेंगे उसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, और इस इक्वेटर के साउथ पोल के साइड में जितने भी हम पैरेलल लाइंस खींचेंगे इसको हम साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमें अपनी पढ़ाई के लिए ये याद रखना होगा कि नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है और साउथ लैटिट्यूड क्या होता है। The value of each latitude is therefore followed by the either the word north or the south. तो इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में N और S से डिनोट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ के साइड में होगा तो वहां पे इतना डिग्री नॉर्थ, और साउथ के साइड में साउथ हेमिस्फीयर में होगा तो वहां पे जितना डिग्री होगा उतना डिग्री साउथ, ऐसे S लिखते हैं, N और S लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। बोथ द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, जैसे कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में एंड बिलो हॉरिजॉन्टल इन द ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, बट द फार्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज द 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यह जो चंद्रपुर इन महाराष्ट्र है वो जो है 20 डिग्री नॉर्थ में है, तो यहाँ पे जब हम आते हैं इक्वेटर पे और ये 23 डिग्री है तो ये 20 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो अरे 23 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 20 डिग्री होगा। और ये जो है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इंडिया का मैप जब हम देखते हैं तो इंडिया का मैप जो है हाफ हाफ मीन्स कि हाफ उसका रीजन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और उसका आधा रीजन जो है कि साउथ हेमिस्फीयर में आता है। तो जब हम यहाँ पे इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ से ये 23 डिग्री है, तो थोड़ा नीचे आएंगे तो 20 डिग्री यहाँ पे कहीं होगा, तो 20 डिग्री नॉर्थ में जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में चंद्रपुर पड़ेगा, और इधर आएंगे तो इधर कहीं पे जो है कि ब्राजील का एक शहर पड़ता है। ठीक है,
बेलो, ठीक है, तो 20 डिग्री साउथ में पड़ता है, तो इसलिए 20 डिग्री एस। तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। और जो है हम जो है धरती पे कोई भी प्लेस है तो उसके उसकी पोजीशन को हम जो है इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। बिसाइड अब यहाँ पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वैसे तो हम इक्वेटर के पैरेलल अनगिनत लाइनें खींच सकते हैं पैरेलल, लेकिन मींस कि कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइनें हमने बनाई हैं अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब ये इसको जो है इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो जब इस भूमध्य रेखा से हम 23 डिग्री साढ़े मीन्स की 1.5 23 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, तो यह जो पैरेलल लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जब साउथ में जाते हैं ठीक उतना ही 1.5 23 डिग्री साउथ में, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि आर्कटिक सर्किल आ जाता है जो कि नॉर्थ में है, और उसके बाद जो है ये हमारा आ जाता है आर्कटिक सर्किल, और उसके और साउथ में आ जाता है एंटार्कटिक सर्किल, और ये है फ्रिज्ड जोन, ये भी है फ्रिज्ड जोन। तो ये दोनों पोल पे जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आइस है, इसलिए इसको फ्रिज जोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के हीट जोन कौन कौन से हैं इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो मिड डे के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए सुबह मॉर्निंग अगर 6 बजे हो जाती है और इवनिंग जो है शाम के 6 बजे होती है, तो बीच के आफ्टरनून 12 o'clock पे क्या होता है कि सन को 12 बजे को हम क्या बोलते हैं, मिड डे भी बोलते हैं। उस समय क्या होता है, सन जो है बिल्कुल ओवर हेड होता है, ठीक है, वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड, ठीक है। तो मिड डे सन is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn, ठीक है। This area therefore receive the maximum heat and is called the torrid zone। तो अभी हमने जो देखा means कि जो equator है, और equator जब हम equator के जब हम ये equator है, equator से 23.5 degree north और 23.5 degree इधर जो south में जाते हैं, तो ये बीच का जो स्पेस होता है इसको टेरिड जोन बोलते हैं। और अर्थ का यही टेरिड जोन जो है या ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, यही जोन जो है सबसे ज्यादा सन की लाइट को रिसीव करता है, ठीक है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द एंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम जो है ट्रॉपिक जोन से ऊपर जाते हैं, मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ जोन में उसके ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है सनलाइट कम पहुँचती है, इसलिए वहाँ पे हीट भी कम पहुँचता है, और उसको है टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इसी तरह से जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से साउथ में पोल की साइड साउथ पोल साइड जाएंगे, तो वहाँ भी जो है क्या होगा, वहाँ भी साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो वहाँ पे भी मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और इसलिए जो है कि वहाँ पे हीट भी कम पहुँचती है, तो इसको जो है हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द एंटार्कटिक सर्किल एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड एंड इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, देयरफॉर इट्स रे आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रिज जोन, ठीक है। तो जो आर्कटिक और एंटार्कटिक एरिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसको इसलिए फ्रिज्ड जोन भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और क्योंकि सन की लाइट जो है कभी वहाँ पे सीधी नहीं पड़ती, वो जो है हमेशा स्लंट या तिरछी होकर पड़ती है, इसलिए वहाँ पे पूरी हीट नहीं पहुँच पाती है, ठीक है।
अब जो हो गया ये लैटिट्यूड के बारे में और हेमिस्फीयर्स के बारे में, अब हम अगला पॉइंट है इसके बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो किसी भी प्लेस के पोजीशन को फिक्स करने के लिए सिर्फ एक लैटिट्यूड का होना ही जो है हमें सफिशिएंट नहीं होता हमारे लिए, इसलिए हमने जो है कुछ और उसमें एडवांसमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है और इसके ठीक नीचे साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से जब कोई लाइन खींचते हुए हम साउथ पोल को जाते हैं, इस तरह से हम अनगिनत लाइनें खींच सकते हैं, तो इसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और किसी अर्थ पे मीन्स कि हमारी धरती पे कोई भी जगह को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजिशन को लोकेट करने के लिए यह जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। तो यह लॉन्गिट्यूड भी जो है एक इमेजिनरी लाइन है। इट इज द नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेसेस यू कैन सी, मीन्स कि सिर्फ लैटिट्यूड से ही हम किसी भी प्लेस की पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते सही से, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड को भी इमेजिन किया है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट द टोंगल आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिटस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट them precisely we must find out how far east or west these places are from the given line of the reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference are called Mediterranean lines or the longitudes. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड अलग है, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अलग है, ये समझ में तो आ ही गया होगा। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इन टू द मिनट्स इन टू सेकेंड, दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोल वेयर एंड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के माध्यम से जो है कि ये कर पाते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो मेरिडियंस जो होती हैं या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो सबकी सब इक्वल लेंथ की होती हैं, क्योंकि अगर हम लैटिट्यूड को देखते हैं तो पोल के साइड जाएंगे तो ये लैटिट्यूड जो है ये छोटे होते जाएंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होते हैं सारे के सारे सेम साइज के होते हैं। हेंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पासेस थ्रू द ग्रीनविच। व्हेन द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 degree लॉन्गिट्यूड एंड From it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of the place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नाउ लुक एट द ग्रीड ऑफ द पैरेलल्स, जैसे कि अगर हमें किसी प्लेस को लोकेट करना है, ये तो हो गया पोल्स मेरिडियन, अगर तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो ये नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ, और इधर जो है हम जब ये लॉन्गिट्यूड खींचते हैं तो इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, तो इससे भी हमें सहायता मिलती है। अगर किसी प्लेस के लोकेशन को पोजीशन को लोकेट करना है तो हम इस तरह से ग्रिड लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच देंगे, और किसी एक पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से और कोई प्लेस यहाँ पे है हमें देखना है तो आराम से हम एंगल देख के डिसाइड कर सकते हैं कि किधर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और उसके बाद अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इस तरह के मैप में
क्या दिक्कत होती है कि हम जो है पोजीशन को सही से लोकेट नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम इसका यूज करते हैं सिटीज और स्टेट और कंट्रीज के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम जो देखेंगे वहाँ पे है लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लैनेट। जैसे कि हम जो है जो टाइम डिसाइड किया है हमने वन डे का या फिर वन मंथ या फिर एक साल वन ईयर का, तो इसको जो है हम जो है अर्थ के मोमेंट के आधार पे मून और बाकी सारे प्लैनेट्स के मोमेंट के आधार पे ही किया है। ठीक है, सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और द नून। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द ग्रीन दोज एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ठीक है, तो इसी को हमने एक दिन माना है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन करती है 24 आवर में। मीन्स कि 360 डिग्री रोटेट होती है 24 आवर में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर फॉर 1 डिग्री इन फॉर 4 मिनट्स। तो इसी के बेसिस पे हमने टाइम को भी बनाया हुआ है। ठीक है, दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट द 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी 15 इज इक्वल टू 4 × 60 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम 1 डिग्री को 4 मिनट जब हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो जैसे कि कितना डिग्री पे है कोई भी जो शहर है वो कितने डिग्री पे है हमारे मेरिडियन लाइन पे, मींस कि लॉन्गिट्यूड पे, और ईस्ट में है कि वेस्ट में है, और जो है जब हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 4 डिग्री है, तो जब हम 4 × 15 करेंगे तो 16 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम जो है कि टाइम को भी डिसाइड कर पाते हैं कि टाइम को डिसाइड कर पाते हैं कि अगर किसी जगह पे या फिर कोई जगह जो है कि अर्थ पे इतने लॉन्गिट्यूड पे है, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो वहाँ पे टाइम एग्जैक्टली एक कितना हो रहा होगा, इसको हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम ये देखते हैं द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। ठीक है, तो यह तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि ऐसा होता है व्हेन द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ग्रीनविच टाइम को यहाँ पे ahead। तो जब हम मैप को इस तरह से देखते हैं तो कुछ चीजें माइनस में आ रही हैं, कुछ चीजें प्लस में आ रही हैं। ठीक है, तो जो प्लस में आती हैं वो ईस्ट में हो जाएगी और जो माइनस में आती है वो वेस्ट में हो जाएगी। ठीक है, और कितना डिग्री पे कौन सा आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई जगह है। ठीक है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कोई जगह है, कोई प्लेस है, तो वहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा इसके बारे में हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। वो कैसे कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 15 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में कितने होते हैं, 15 मिनट होते हैं। तो अगर कोई प्लेस जो है कि 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है तो उसको जब हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जगह से जो दूसरे प्लेस का जो टाइम है उसको जितने डिग्री का डिफरेंस होगा उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करके दूसरे प्लेस का टाइम जो है बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एट
any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for the place. You can see that all the places on given meridian of the longitude have the same local time. Why do we have standard time? हमने standard time क्यों बनाया हुआ है? The local time of the place which are on different meridian are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for train which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. ठीक है? It is therefore necessary to adopt the local time of the some central meridian of the country as the standard time for the country. In India, the longitude of the 18 degree east, 18 means ki one by fourth 1882 degree east, ठीक है, is treated as the standard, means कि 82 degree और 30 second हो जाएगा. East is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the IST, Indian Standard Time Scale. तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये सारी चीजें समझ ली. यहाँ पे एक चीज और हम समझ लेंगे. कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend look that they will not be able to sleep tonight kyunki jo hai a day and night cricket match between India and England has started 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India located east of the Greenwich at 82 degree 30 second east in 5 hours and 30 minute ahead of the Greenwich meridian time. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. ठीक है. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard time. The earth has been divided into 24 time zone of one hour each. Each time zone thus cover 50 degree of longitude. तो longitude से हम जो है time किसी भी place के time का पता जो है बहुत ही सही से लगा पाते हैं. इसलिए हमने longitude को भी बनाया और latitude को बनाया और जो है किसी place की location भी हम बहुत ही exactly find कर सकते हैं. तो आपको latitude और longitude कितना समझ में आया comment करके जरूर से बताएं और मेरे channel को जरूर से subscribe करें. ठीक है, धन्यवाद.